दोस्तों तो हम पहुंच चुके हैं गिरदेवी माँ का मंदिर। पिछली वीडियो में हम सिलौरी टेम्पल का दर्शन किए थे, तो मंदिर के अंदर चलते हैं। छपरा के मरहोरा में शक्तिपीठ मांगर देवी का ऐतिहासिक मंदिर है। इस मंदिर का इतिहास काफ़ी पुराना है। मंदिर के इतिहास के बारे में ऐसी मान्यता है कि राजा दक्ष प्रजापति एक यज्ञ का अनुष्ठान किया था। उस यज्ञ में बिना बुलाए उनकी पुत्री सती भी जीत करके वहां पहुंची, लेकिन वहां अपने पति भगवान शिव का कहीं स्थान नहीं देखकर वह यह अपमान सहन नहीं कर पाई और यज्ञशाला के हवन कुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। उसके बाद क्रोधित होकर महादेव ने सती के शव को कंधे पर उठाकर आकाश मार्ग में तांडव करने लगे, जिससे पूरा ब्रह्मांड भयभीत हो गया। यह देख देवतागणों के आग्रह पर भगवान विष्णु ने भगवान शंकर का ध्यान भटकाने के लिए सुदर्शन चक्र से आकाश में ही सती के शव के कई टुकड़े कर दिए। इस दौरान सती के पावन खून के छींटे इस जगह पर पड़े थे, जहाँ बाद में गिरदेवी माँ की मंदिर की स्थापना हुई। मंदिर से जुड़ी एक और भी कहानी काफ़ी प्रचलित है कि शक्तिपीठ मंदिर थावे के रहस्य भगत के बुलाने पर माता कौरी का मुखिया से चलकर जगह जगह विश्राम करते हुए थावे गई थी। इस दौरान माता ने थावे पहुंचने से पहले मरहोरा के इसी गिरदेवी मंदिर के पावन स्थल पर विश्राम किया था। यही वजह है कि यहां माता की दो दो पिंडियां स्थापित है। यह स्थल सिद्ध शक्तिपीठ के रूप में भी जाना जाता है। वैसे तो सभी मंदिरों के मुख्य दरवाजे पूरब की ओर होते हैं, लेकिन मरहोरा के गिरदेवी मंदिर में पूजा करने वाली मुख्य मंदिर का गेट पश्चिम की तरह है। देश में यह पहला मंदिर है जहां पूजा करने वाले गेट पश्चिम की तरह है। इसके बारे में यह बताया जाता है कि जब अंग्रेज यहां आए थे तो मरहोरा में उद्योग लगाने की इच्छा से यहां के मंदिर और मान्यताओं से अनजान थे। वह जितने भी कार्य करते वह असफल हो जाते। एक रात ही अंग्रेज को माता ने स्वप्न दिखाकर मंदिर के पास कार्य कराने से मना किया, तो अंग्रेजों ने इसे मानने से इनकार कर दिया और कहा कि यदि आप स्वयं शक्ति हैं तो चमत्कार कीजिए। फिर मंदिर का वह जो गेट था वो पूरब से पश्चिम हो गया। जब सुबह अंग्रेजों ने देखा तो उसके होश उड़ गए। फिर वहाँ से थोड़ा दूर हटकर मरहोरा में चीनी मिल, सारण इंजीनियरिंग और डिस्टिल वाटर फैक्ट्री स्थापित की, जो आज के समय में खंडहर बन चुकी है। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। तो आपको ये मंदिर से जुड़ी कहानी कैसी लगी कमेंट में बताना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि आप मेरे अगले ब्लॉग को देख सकें। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।